हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं दोस्तों, यदि आपके कोई भी आप एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों, दिक्कत आती है, तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं कर पाते हैं और अपने मोबाइल को रिस्टार्ट मार देते हैं, और रजिस्टर मारने के बाद दोस्तों आपकी सारी डाटा क्लियर हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जानी है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों अपनी एप्स में आनी है। में आने के बाद दोस्तों आपको जिस एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी एप्लीकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए, मेरा यूसी ब्राउज़र में आ रहा है तो मैं यूसी ब्राउज़र को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा मेरा यूसी ब्राउज़र। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टोरेज, यहाँ स्टोरेज पे आपको क्लिक करना है। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर डाटा, यहाँ पे क्लिक कर देना है और डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद चलिए अब देखते हैं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, मेरा जो यूसी ब्राउज़र का डाटा है वो पूरा क्लियर हो चुका है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आती कैसे है, जो आपकी जो ब्राउज़र होता है या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसमें डाटा बहुत फुल हो जाता है दोस्तों, और आपकी एप्लीकेशन रन आउट कर देता है, इसीलिए आपको ये दिक्कत आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, मेरा यूसी ब्राउज़र फिर से पहले जैसा काम कर रहा है। अलाउ, यहाँ सारी परमिशन है दोस्तों, आपको अलाउ कर देनी है। और ये प्रॉब्लम से आपको और भी एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। तो चलिए, मैं अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ यहाँ से बैक करके। फाइल मैनेजर में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड्रॉयड का एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। तो उस फोल्डर को आपको क्या करना क्या है, उस फोल्डर को आपको रिमूव कर देना है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना होगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए हैं दोस्तों, सिर्फ़ कुछ ही दिनों में। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें ऑनलाइन अप्लाई।